हाँ भाई बच्चों, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। सर, मैगमिन। अब आ रहे हो? टाइम देखा क्या हो रहा है? सर, 9:30 बज रहे हैं। बदतमीज, अपने सर से मजाक करते हो? जाओ निकलो, आज तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लगेगी। सर प्लीज अटेंडेंस लगा दो, अटेंडेंस नहीं लगेगी तो मैं एग्जाम कैसे दूंगा? एग्जाम ना दूंगा तो पास कैसे होऊंगा? पास ना हो तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? और आगे ना बढ़ो तो मुझे डिग्री कैसे मिलेगी? डिग्री ना मिलेगी तो मुझे नौकरी कैसे मिलेगी? नौकरी ना मिली तो छोकरी कैसे मिलेगी? छोकरी ना मिली तो मुझे बच्चे कैसे होंगे? बच्चे ना होंगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? ऐसे तो मेरा सारा काम पट्ट हो जाएगा। चलो बैठ जा, जाके लगाता हूँ तेरी अटेंडेंस। अबे तू तो अकेले ही आया है, बाकी सब कहाँ है? एक हफ्ते से किसी की शिकल को न देखा, के सबको देखने का मैंने ले रखा ठेका। अबे तू तो उनके घर के पास रहता है, तुझे तो पता होना चाहिए। कोई भग्गिया लौंडिया ले गया, किसी ने कर लिया बिया। मास्टर जी, पढ़ाई से सभी लौंडों ने संन्यास ले लिया। ले उनका नंबर लगा के दे। हा? अबे तू मोबाइल नंबर लगा रहा है? ये सट्टे का नंबर लगा रहा है? सर पबजी गेम खेल लिया हूँ, बहुत टॉप का गेम है यू। आज लापरवाही करके तुम खेलोगे पबजी, कल चौक चौराहों पर बैठकर तुम बेचोगे सब्जी। अबे इतने इमोशनल डायलॉग सुनने के बाद भी तू गेम खेल लिया? चल उनका नंबर लगा के दे। क्या से क्या हो गया? हेलो। हेलो कौन? मैं तेरा मास्टर बोल रहा हूँ। 3 महीने से लगातार कोई भी छात्र कक्षा में प्रवेश नहीं हुआ है। 3 महीने से लगातार तुम सबकी अब्सेंट लग रही है बेटे। जब 3 महीने से सब बच्चे अब्सेंट हैं, तो तुम तनख्वाह किस बात के ले रहे हो? यार बात तो ऐसे बोल लिया। अरे बेटे तुम तो बुरा मान गए, अब क्या मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकता? मजाक कर रहा हो तो जल्दी से सभी बच्चों की हाजिरी लगाओ। अनस, शैजान, उम्मा, लक्के, यस सर, टुंटा हाफिज, दीख नरिया, नहीं बगड़ा, अबे आया है, पतली छेपट, हाथ टूटे सिंगल बिहारी, अबे क्या कह रहा है, होटकटा बंदर, मैं सो रही हूँ, पूरा बखर, चीपड़, लेटा तो हूँ, क्यों नींद खराब कर दिया मास्टर, नितिन गप्पी, नादिर जुल्फी, ओबो आया हूँ, उस्मान बगला, क्या कह रहा है? अरे सर जी ये तो एडिटिंग में भी हो जाएगा। क्या ये सब पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें? मेरी वफादारी का ये सिला दोगे तुम?
और ये लोंडे लिखने रहे हैं, अगर ये फेल हो गए तो मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। कुछ कर मास्टर, कुछ कर। अरे बेटा, आपका पेपर हो गया? सर थोड़ा सा रह गया, बस 2 मिनट में हो जाएगा। सर हो गया, हो गया? हाँ हो गया सर। बेटा मेरे ख्याल से तुम्हें प्यास लग रही है। ना सर, मुझे तो ना लग रही प्यास। तो बेटा एक नंबर लग रहा होगा। ना सर, एक नंबर भी ना लग रहा। तो बेटा 2 नंबर लग रहे होंगे। ना सर, 2 नंबर भी ना लग रहे। साले तुझे कुछ भी नहीं लग गया, पर मुझे बदबू आ रही है। चल वाला ने हमें मारा। हमारे साथ चल, किसने मारा तुझे? भाई ये वाले लड़के वो लिख रहे हैं, और ये बात हम प्रिंसिपल तक पहुंचाएंगे और तुम्हें यहाँ स्कूल से रेस्टी रेस। अबे यार मुझसे ना कह रहे, तू बोल दे। अबे यार मुझसे ना बोल रहे, तू ही बोल। और तुम्हें इस स्कूल से रेस्टिकेट कराएंगे। यार भाई आपस का मामला है, आपस में निपटा लेंगे। कहां प्रिंसिपल तक लेके जा रहा हो बात? भाई देख यार गलती होगी, अब सुन होने की बात भाई, गलती होगी, सॉरी। चलिए लड़ाई हो गई, जिसकी हुई हिम्मत खुद पर हाथ उठाने की, ऐसे तैसे मार दूंगा सारे जमाने की। 10 में 20 हो ना, मैं हिम्मत हारूंगा, कुत्ते की तरह भगा भगा के मारूंगा। बेटा मुझे अनस से मिलना है, मैं उसका सर हूँ। रुको अभी आया। सर आपसे कोई मिलना आया है, उनसे कहो कि 2 घंटे बाद आए। सर वो बहुत बुरी हालत में है, और वो आपके सर हैं। और मैं भी तुम्हारा सर हूँ, मैंने तुमसे कहा ना, उनसे कह दो कि 2 घंटे बाद आए। सर आप 2 घंटे बाद आना। आप 4 बजे आना, सर अभी मीटिंग में है। सर ऑफिस से चले गए हैं, आप कल आना। अरे बेटा रुकना, बेटा जरा एक कोल लगा देना। अरे हटा। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? बेटा इस नंबर पे कॉल लगा देना।
हेलो बेटा, मैं तुम्हारा सर बोल रही हूँ। हेलो हेलो हेलो, ये नंबर ब्लॉक कर दिया गया। अरे यार, ये तो मेरे सर हैं, इनको क्या हुआ? क्या हुआ आपको? बेटा तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है तो सरकारी अस्पताल से दवा लेने गया था। उन्होंने मेरी हालत देखकर दवाई देने से इनकार कर दिया, मगर बेटा आपको उन्होंने... सर मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ, आपके पास इलाज कराने के पैसे नहीं है, मैं कराऊंगा आपका इलाज। नहीं बेटा, दो चार दिन की जिंदगी और बची है मेरी, मैं इसे ऐसे ही काट लूंगा। नहीं सर नहीं, आपने ही सिखाया था ना, पैसों में चाहे तुम कितने ही हो नीचे, मगर कभी किसी की मदद करने से हटना ना पीछे। शिक्षा देने वाले को कभी भूलना नहीं चाहिए, मुसीबत पड़ने पर हमें उनके काम आना चाहिए।